बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने मान रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग, आज की वीडियो हम कर रहे हैं शुरू नाश्ते से। नाश्ते में हमने बनाया है पराठा, और पराठे के साथ बन रही है चाय। और हम नाश्ता करते किस चीज़ के साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी चाय जो पक रही थी, पहले इसको उबाल आया तो मैंने सोचा उबल ना जाए, नीचे ना गिर जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाया था सीन। तो चले मैं नाश्ता किस चीज़ के साथ कर रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, यानी हम सब कर रहे हैं। अच्छा जी, पराठा गया है बंद, तो एक मैं सादी रोटी साथ बना रही हूँ। सादी रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए, और मेरा सबके लिए मैंने बनाया है पराठा, क्योंकि आज मेरा को लेके जाना हॉस्पिटल, उसके दांत की अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा कि चले हल्का फुल्का सा नाश्ता आज क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हो सकता टाइम भी लग जाए, अपने हॉस्पिटल में नहीं जाना, थोड़ा दूर जाना है, इसलिए मैंने कहा चले चाय के साथ पराठा वगैरह खा लेते हैं, ज़रा सही रहेगा। मुकम्मल नाश्ता तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये नाश्ता मैंने कर लिया तैयार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पराठा और एक सादी रोटी, करेलों का सालन जो मैंने बनाया था कल, और ये चाय है साथ, ये मेरी चाय है, इसमें मैं जिशांदा डालूंगी। ये देखिए आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि सर्दी हल्की सी हुई है, बारिशें हुई, तो उसकी वजह से ना ठंडा सा मौसम हो गया, उसके साथ ही मुझे जुकाम लग गया। ये जी चने की दाल और लौकी का सालन है, दोनों सालन मैंने कहा कि एक हमने कल बनाया था, तो एक थोड़ा सा जो करेलों का है ना वो बचा हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा था, तो फिर मैंने चने की दाल और लौकी बनाई। तो अभी हम कर लें नाश्ता, फिर इंशाल्लाह हॉस्पिटल चलते हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ से भी आपको कुछ भी दिखाएँगे, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। यहाँ जी हम रस्ते में हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो थोड़े से खूबसूरत से व्यू थे, मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। सुबह सुबह जिन्होंने वॉक करनी है और साइकिल लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। तो जिन्होंने इस तरह हमारी तरह कहीं काम जाना अपना, वो भी जा रहे हैं। वैसे तो छुट्टियां हैं, अगस्त में लोग काम ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जहाँ कहीं जाना हो, कोई अपॉइंटमेंट हो या वैसे ही घूमने फिरने के लिए, वो तो फिर जाते ही। मैंने कहा चले थोड़े से व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। आपने हमारे साथ साथ रहना है और हमारी वीडियो देखनी और इन्जॉय करनी है। ये जो शूज़ है ना, शूज़ों के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक इस तरह शू चढ़ा के दिए, अंदर जाएंगे चेक करवाने के लिए, तो ये जो ना ये पहन के फिर अंदर जाना है। तो ये मेरा ने भी पहने हैं, तो एक और बंदे ने जाना है उसने भी पहने हैं। मैंने कहा आपको थोड़े से दिखाऊं। ये ना इधर हॉस्पिटल के पास ही पार्क है, तो वहाँ पर उन्होंने देख बनाई हुई छोटी सी पार्क है, अगर कोई हॉस्पिटल में टाइम ज़्यादा हो तो बच्चों को लेकर यहाँ पर टाइम गुजार ले, जैसे मैं गुजार रही हूँ, ठीक। यहाँ जी नवेरा के दांत का विज़िट जो है ना वो हो गया था, तो मोई साहब कह रहे थे मुझे झूले लेने हैं। तो सुबह सुबह अब ना मौसम ऐसे जैसे ठंड होगी, हफ्ता डेढ़ हफ्ता बारिशें होती रही, तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया, इसलिए मोइज़ ने अपर पहनी हुई है। तो मोइज़ को थोड़े से झूले लेने थे, मैंने कहा चलो आप थोड़े से झूले ले लो, फिर इसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा घर का ग्रोसरी करने, फिर हम मार्केट जाएँगे तो वहाँ पर आपसे मिलेंगे। तो चलें थोड़ी सी आप देखें, मोइज़ साहब झूले ले रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं आपको मोइज़ साहब झूले लेते हुए, आपने मैसेज आपने ज़रूर मैसेज करके बताना है, ठीक है जी। तो चले अभी फिर मार्केट जा कर तो आपसे दोबारा मिलते हैं। घर की ग्रोसरी करनी थी तो हम आ गए हैं पैनी मार्केट में, तो यहाँ पर ये है जी फ्रूट वगैरह सारा, ये देखें, ठीक है जी। तो बच्चे जो है ना रेहड़ी में सौदा भर भर के रखन गए ने, इस तरफ भी फ्रूट है, तो उन्होंने अपनी रेहड़ी में तीन चार चीज़ा रख लिया, तुम्हें दिखा नहीं रखा कि ये माशाल्लाह इतने बड़े बड़े तरबूज है, कि 10 किलो का एक पाँच तरबूज हो। अच्छा जी ये मिक्स फ्रूट है, इसमें तरबूज है और अंगूर है, केवी है, पाइनएप्पल है, मुख्तलि फ्रूट है, किसी में सेब है, किसी में ये खरबूजा है, और ये जो है ना ये कोकोनट है। ये जी ऐसे खरीदे और खाएं, तो बच्चों ने रेडी की भरे अभी तक मैं वहाँ नहीं है, वेखो तुम मेरे बच्चे करण की दे ने, वेखो उन्होंने समझ नहीं आती मार्केट आए हैं करिए की। इधर जी सारे बिस्किट हैं, तो पुत्र मेरा ओरियो बिस्किट ढूंढ रहा है, कहाँ है ओरियो बिस्किट, मिल गए? ये लेना है, ये पक्का? अच्छा ये लो, अब ओरियो ये वाले लेने, ये वाले, ये तो दूसरी पैकिंग वाले मोइस, खैर छोटी पैकिंग वाले देखते हैं। अच्छा वो कहता है भावे बड़ी पैकिंग नहीं, तो भावे छोटी जी ओरियो तो है ना, मैं तो ओरियो ही लेने, तो मैंने जेड़े मर्जी ने ला दे बस। तो ये देखें जी ये रेडी भरते जा रहे हैं, ये जूस है, ये दवाना है, बिस्कुट है, पीछे ना मोइज़ नहीं, इधर भी बिस्कुट ने, आलू ने, और जी चने हैं, केले हैं, ठीक है जी, और नवेरा भी है इधर, मोइज़ भी इधर ही है। तो ये इस तरफ सारे जूस हैं, जूसों की लाइने हैं, तो इस तरफ घूमे तो कोका कोला वगैरह है। तो अभी देखते हैं कि हमने और थोड़ा सा क्या सामान लेना है, क्योंकि आपके साथ मैंने शेयर किया था बिलाल के साथ कुछ, मैं ग्रोसरी कार आई थी, तो थोड़ी बहुत ही हूँ फॉर्मेलिटी नहीं मैं पूरी करनी होंगी, हूँ जैसी आए हैं, ठीक है जी। ये जी कोके कोले हैं नवेरा को, ये वाला कोका कोला पसंद है, इसमें ज़रा वो होता है
खंड खुंड घट होंगी ना जीरो होंगे इसलिए मेरा ने ये ले। यहाँ जी कोका कोला है वो भी लेने लगे हैं। तो ये देखे इधर ये आ रहे हैं जी ग्रोसरी करके नवेरा मुइस आ जाओ जी। यहाँ पर जी है डोनट अटालियन इनको चंबेला कहते हैं। अच्छा लास्ट उन्होंने तेरे जो भी रखा से एक ले ला मेरा पुत्र लेके रख फटा रेड़ी च इतने हम तुम वेखियो मेरे बाला ने हाय हाय नवेरा ने कभी खादा नहीं जिंदगी च पहली बार लेना। मुइस ने भी कभी नहीं खादा है ना मुइस पहली बार खान लगे मेरे बच्चे शाबाश खाओ 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 तो जवान हो जाओ। क्या नवेरा बोला है थैंक यू वेलकम चलो। अच्छा इधर हाँ मैं देखा तू जवान है जवान हो दिन ठंड लगे फैलपा पाया आई मतलब अपर पहनी है। अच्छा जी इस तरफ हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ना ये वो वाला पानी है। चलें जी ये हमने ले लिए है पानी के चार पांच डाले चार पांच पैकेट। तो अभी हम चलते हैं काउंटर की तरफ। इतने जी नवेरा आइसक्रीम लैन लगी ले ला पुत्र ले ला जड़ी लैनी है। ये नवेरा ने आइसक्रीम ले ली ठीक है जी। और इस तरफ काफी सारी वरायटियाँ हैं आइसक्रीम की ऊपर और नीचे सारी। कौन सी रिंगो वाली दूसरा दरवाजा नहीं खोलना सी उधरों दी खोल के निकालना आसानी ना निकलेगी पुत्र। ये चले गए काउंटर पे हम भी जाते हैं। चले जी नवेरा का विजिट करवा के हम लोग घर आ गए थे। तो हमारी तरफ धूप लगी हुई लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है तो उस हवा की वजह से ना जो गर्मी है उसका जोर कम हो गया है। तो मुझे तो लगता है ये आखिरी महीना है इसके बाद हमारी तरफ सर्दी भी मुक जानी है। तो चले जी हमारी आज की वीडियो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।